भाई अगर आप रोजमर्रा की रियलिटी से बोर हो गए हो और अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड का सहारा लेना चाह रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपको सात ऐसे शोज बताने वाला हूँ फैंटेसी वर्ल्ड की जो भाई आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। कमाल के शोज है, कमाल के विजुअल्स हैं इनके और सही में भाई बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर कराते हैं। तो ज्यादा इंटर में बात नहीं करते क्योंकि समय कीमती है, सीधे इसको स्टार्ट करते हैं। और आज के पहले सीरीज का नाम है फेट द विंग्स सागा। 2021 के अंदर पहला सीजन आया था इसका। इसके अंदर एक ब्लूम पीटर्स नाम की लड़की होती है जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है, लेकिन उसको वो पावर्स कंट्रोल करनी नहीं आती है। तो वे कॉलेज के अंदर जाती है जिसके अंदर जादूगरों को उनका जादू कंट्रोल करना सिखाया जाता है। वैसे अगर जूम आउट करके देखा जाए तो कुछ कुछ हैरी पॉटर जैसे मिलता है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं फिर भी इसको देखने में मजा आता है क्योंकि अलग तरीके का एडवेंचर, अलग तरीके का मैजिक देखने को मिलता है शो के अंदर। तो ये शो अगर अभी तक नहीं देखा तो एक बार देखना जरूर कंसीडर करो, काफी अच्छा शो है, एक बार देखने लायक जरूर है। और ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। भाई ये वाला शो सही में भाई इतना ज्यादा क्यूट सा शो है, ये देखते हुए भाई आपको अपना बचपन जरूर याद आएगा और जो एडवेंचर शो के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है वो कहीं ना कहीं भाई आपके दिल को जरूर छुएगा। तो ज्यादा बिल्डअप नहीं बताता हूँ, शो का नाम सीधे बताता हूँ। शो का नाम है लॉस्ट ऑली और ये 2022 के अंदर आया था। इस शो के बारे में भाई ज्यादा लोगों को बात नहीं करते हुए देखा जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड शो लगता है। इस शो की कहानी घूमती है एक छोटे से बच्चे के अराउंड और उसके एक खिलौने के अराउंड। वो खिलौना उस बच्चे के साथ भाई उसके बचपन से रहा होता है, लेकिन उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब खिलौने ने तो भाई अपना सिर्फ मालिक खोया होता है, लेकिन उस बच्चे ने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया होता है। अभी जो खिलौना और ये जो बच्चा है दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सीरीज के अंदर। अभी मिलते हैं या फिर नहीं मिलते शो को देख के जानो। काफी खूबसूरत शो दोस्तों, एक बार जरूर देखना, डेफिनेटली आपके दिल को जरूर छुएगा और ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। और भाई अगर आपको मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर देखना पसंद है, थॉर का एक्शन देखना पसंद है, तो ये वाला शो आपको जरूर पसंद आएगा। इस शो का नाम है रैग्नारोक, उसका पहला सीजन 2020 के अंदर आया था। इसकी कहानी घूमती है एक मैग्ना नाम के लड़की के अराउंड जो शुरुआत में दिखाया जाता है काफी अंडर कॉन्फिडेंट बनता है। अगर आसान शब्द में बोलूं तो भाई शुरुआत में थोड़ा लुल्लुस से दिखाया होता है, लेकिन भाई वो फिर एक नए शहर में जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसको अलग सी पावर महसूस होने लग जाती है और जैसा नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं बंदे के पास थॉर की पावर्स आने लग जाती है। अब भाई बंदे के पास सुपर हीरो पावर्स है तो शो के अंदर सुपर विलन भी डालना चाहिए। तो इस शो के अंदर उसके सामने पूरी की पूरी फैमिली है जिसका उसको सामना करना है, लेकिन भाई फैमिली उसके पीछे क्यों पड़ी है, वो क्या करेगा ऐसे हालातों में, इस शो को देख के जानो। काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा भाई इसके अंदर। हाँ ये है कि मार्वल यूनिवर्स जैसी उम्मीद मत करना, उसके अंदर ज्यादा चीजें दिखा दी जाती है, इसके अंदर उस लेवल का नहीं है एक्शन, लेकिन हाँ डिसेंट एक्शन है, इंजॉयबल है, काफी पसंद आएगा आपको। हिंदी में देखने को मिल जाएगा शो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही। हम बढ़ते हैं भाई अगले शो की तरफ। शो का नाम है कर्स्ट, 2020 के अंदर पहला सीजन आया था इसका। तो भाई शो की कहानी घूमती है एक नीमुए नाम की लड़की के बारे में जिसका रोल भाई शो के अंदर कैथरीन लैंगफोर्ड ने प्ले करा है। क्या खूबसूरत बंदी है भाई सही में। नीमुए के गांव पे हमला हो जाता है और उसकी माँ को लोग मारने आते हैं और मरने से पहले अपनी बेटी को एक मिशन देती है कि उस तलवार को उसके सही मालिक तक पहुंचाओ। एक काफी पावरफुल जादूगर होता है जिसका नाम मर्लिन होता है, उस तक तलवार को पहुंचाने का। और भाई ये भी बता दूं कि नीमुए कोई नॉर्मल इंसान नहीं होती है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है। तो वो एक सफर पर निकलती है उस तलवार को उसके मालिक तक पहुंचाने के। अभी तलवार की मिस्ट्री क्या है और किसके पास पहुंचाना है, जादूगर कौन है और नीमुए उस तलवार को उसकी जगह पहुंचा पाती है या नहीं, ये तो भाई शो देख के जानो। भाई छोटा सा सच बता देता हूं कि जब इस शो को देखने बैठू तो बहुत ज्यादा मैजिक और बहुत ज्यादा एडवेंचर एक्सपेक्ट मत करना इससे। इसके अंदर इन दोनों चीजों की मात्रा थोड़ी कम है, ड्रामा पे ज्यादा फोकस करा गया है, लेकिन जो फैंटेसी दुनिया दिखाई, जो कैरेक्टर दिखाए वो काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं शो के अंदर। और अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड के टाइप का कॉन्टेंट पसंद करते हो तो काफी ज्यादा चांसेस आपको ठीक ठाक भी लगे ये शो। तो इसलिए शो एक बार देखना जरूर कंसीडर करना, शुरुआत में एक या दो एपिसोड से ट्राई करना, अगर अच्छा लगता है तो देखते रहना, नहीं अच्छा लगता छोड़ देना। और अगर अभी देखना कंसीडर करने वाले तो नेटफ्लिक्स पे भाई आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। ये और ये वाला शो भाई मैंने काफी कम उम्मीद से लगाया था, लेकिन मेरे को भाई सही में उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही देखने को मिला ये वाला शो। इस शो का नाम है द बास्टर्ड सन एंड द डेविल हिमसेल्फ, जो कि 2022 के अंदर आया था। तो भाई इसकी कहानी एक ऐसी दुनिया में सेटल होती है जहाँ पे विचेस बहुत ही ज्यादा आम है, लेकिन सारी विचेस बुरी नहीं है, उनके अंदर कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है। तो उन्हीं सब लोगों के बीच एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है जो कि अपने आप में भाई डेविल का बेटा होता है। अभी शो के अंदर इस बच्चे का नाम नेथन रखा जाता है और जब ये 17 साल का हो जाएगा उसको अपनी पावर्स मिलेंगी। अभी नेथन की खुद की चॉइस है कि वो अच्छा रास्ता चुनेगा या फिर बुरा वाला। आपको जानना है नेथन कौन सा रास्ता चुनता है तो भाई ये शो देखना पड़ेगा आपको। ये वाला शो भाई सही में बहुत अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस कराता है, बहुत सारे अलग अलग लोकेशन भी एक्सपीरियंस कराता है, बहुत अच्छा मैजिक भी एक्सपीरियंस कराता है, ओवरऑल बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देता है। इस शो के अंदर भाई आपको पर्सनली कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि हर कैरेक्टर को अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। तो इस शो को भाई एक बार जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी में अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। और इस शो ने तो भाई मेरा सच्ची में दिल जीत लिया था, जब देखा था तो मन करा था इसको दोबारा देखूं। इस शो का नाम है लॉकवुड एंड को और उसका पहला सीजन 2023 के अंदर आया था। और इस शो के अंदर लॉकवुड एंड को एक ऐसी छोटी सी कंपनी दिखाई है जो कि भूतों को पकड़ने का काम करती है। वैसे इस कंपनी के अंदर कुछ ज्यादा लोग काम नहीं करते, सिर्फ 3 ही लोगों की टीम है जिसमें एक तो कंपनी का मालिक ही होता है, एक उसका सहायक होता है और एक गिफ्टेड लड़की होती है जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है कि वह भूतों को सुन सकती है। अभी शो के दौरान इनके पास मल्टीपल केसेस आते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं जिनको अपने घर के अंदर भूत महसूस होता है। इन लोगों को बुलाते हैं कि आओ हमारे घर के अंदर भूत हटा दो। अभी लोग जाते हैं और कैसे कैसे उस भूत को हटाते हैं ये जानने के लिए तो भाई आप शो देखो। ये शो भाई मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया था, शायद किसी को ना हो ना हो, लेकिन भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा था। जो दुनिया दिखाई, जो पावर्स दिखाई, जो भूत दिखाए भाई, सब मजा आया था शो के अंदर। आप लोगों को भाई एक बार ये वाला शो देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा, मेरी नजर में भाई हाईली रिकमेंडेड शो है। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ आपको फोर्स करने के लिए शो देखने के लिए, बस इतना कहूंगा भाई एक बार
प्लीज भाई जरूर देखना ये वाला शो। और सबसे बेस्ट बात, हिंदी में देखने को मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। ये वाला शो भाई नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बेस्ट शो रहा था जब रिलीज हुआ था। लोगों ने इस शो के क्लिप्स को इस्तेमाल करके हजारों रील्स भी बना दी, हजारों शॉर्ट्स भी बना दी है। मैं समझता हूँ कि आप में से काफी लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे की, जो कि 2022 के अंदर आया था। और इस शो के अंदर मेन लीड में जेना ओर्टेगा दिखी है भाई, क्या बंदी ने एक्टिंग करी है भाई, वाकई में बेहतरीन एक्टिंग। तो अगर आपने वेडनेसडे कैरेक्टर के बारे में पहली बार सुना तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेडनेसडे कैसा कैरेक्टर है जो एडम्स फैमिली को बिलोंग करता है। और एडम्स फैमिली अपने आप में काफी हॉरर पसंद करने वाली फैमिली होती है, बहुत ही ज्यादा अजीब फैमिली होती है, वो बहुत ही अजीब चीजें पसंद करती है और उनका रहन सहन भी बहुत ही डार्क तरीके का होता है। तो उनकी बड़ी बेटी वेडनेसडे कैसी है, उसका नेचर कैसा है, इस शो के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वेडनेसडे के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो शो के अंदर एक्सपीरियंस करने में मजा आता है, लेकिन शो के थोड़ी मोटा मोटा कहानी बता देता हूँ कि वेडनेसडे एडम्स एक नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ने जाती है, लेकिन भाई वहाँ पे उसकी हरकतें कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से उसको वहां से निकाल दिया जाता है। जैसे कि एक स्विमिंग पूल के अंदर वो पिराना छोड़ देती है और वो स्विमिंग पूल खाली भी नहीं था। फिर उसकी फैमिली एक ऐसे स्कूल में उसको भेजती है जो इन्हीं तरीके के बच्चों को हैंडल करता है, जैसे वैम्पायर्स हो गए, वुल्फ के बच्चे हो गए, ऐसे बच्चों को हैंडल करने वाले कैसे स्कूल में भेजती है उसकी फैमिली। वेडनेसडे यहाँ पे कैसे रहती है, कहाँ पे रहती रहती है, उसको कुछ ऐसी मिस्ट्रीज पता चलती है जो उसको पहले से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ऐसा होगा। तो आपको जानना है कौन सी मिस्ट्रीज है और वेडनेसडे हकीकत में उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके लिए शो देखो भाई, जबरदस्त शो है। और हाँ, सबसे बेस्ट बात हिंदी में देखने को मिल जाएगा आपको नेटफ्लिक्स पे। तो दोस्तों ये कुछ 7 शो थे जो मैं इस वीडियो के द्वारा रिकमेंड करना चाहता था। आपने इनमें से कितने शोज देखे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, या फिर कोई और शो जो आप रिकमेंड करना चाहते हो फैंटेसी बेस्ड वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको नेटफ्लिक्स के बेस्ट शो चाहिए जो टॉप रेटेड हो तो आप ये वाला वीडियो देखने कंसीडर कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने 13 शोज बताए जो नेटफ्लिक्स के बेस्ट है, जिसके अंदर हो सकता है आपको काफी ज्यादा नए शोज मिल जाए देखने के लिए। अभी की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, अपने दोस्तों मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।